कुम्हारी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला के रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक ने सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। खुदकुशी के एक मामले में कुम्हारी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला के रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इसे गंभीरता से लिया है और प्रथम दृष्टया सब इंस्पेक्टर को दोषी मानते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है और इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। पिता अर्जुन सिंह 24 वर्षीय जो फिरोजपुर का रहने वाला है, उसका 4 जुलाई को की मृत्यु हुई। फांसी लगा के उसने अपनी जान ले ली। उसके पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को सपूतनामा करने के एवज में सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला द्वारा 50,000 रुपये मांगने की बात सामने आई। प्रार्थी द्वारा मुझे फ़ोन करके भी जानकारी दी गई थी। इसके बाद उसे साक्षी के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो उसके द्वारा जो है छुपकर एक वीडियो बनाया गया जिसमें कि सब इंस्पेक्टर द्वारा पैसे की मांग और लेने ऐसा प्रार्थी द्वारा गिनने की जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। उसके साथ एक कांस्टेबल भी था जिसने प्रथम दृष्टया इस बात की पुष्टि की है कि थाना प्रभारी द्वारा कुछ पैसे का लेन देन किया गया है। प्रथम दृष्टया बात सही पाने पर उनको सस्पेंड करके पुलिस लाइन में भेजा गया है। उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जो प्रार्थी है उसको थाने बुलाया गया है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अब तक कोई शिकायत नहीं की गई। शिकायत लेकर उसमें जो है कठोर से कठोर सजा दी जाए। गौरतलब है कि मनदीप सिंह वाला ने 4 जुलाई को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले की जांच का जिम्मा सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला को सौंपा गया था, जिन्होंने शव का सुपुर्दनामा करने के लिए पीड़ित परिवार से लगभग 45,000 की रिश्वत की मांग की, जिसका वीडियो जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपते हुए पीड़ित पक्ष ने शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला को लाइन अटैच कर दिया है।